तो हम लोग चले ब्रेकफास्ट करने। बंदा कितना खाता है, कितना खाता है, बहुत कम खाता है, बहुत कम खाता है। देखिए कैसा लगता है ब्रेकफास्ट करके। तो इतने बड़े होटल में लाइट चली गई है। हम लोग अब चल दिए अपने ट्रिप की ओर। मौसम यहाँ से निकलते ही पता चल गया कि वहाँ के श्रीनगर में आकर हम इतने स्मार्ट लग रहे हैं कि आपको पता नहीं। पहुँच गई नबी जी। 1 आवर और लगेगा जाने में ना वैष्णवी। ये नहाने की तैयारी हो रही है, वैष्णवी फोटो शूट करा रही है और ये व्यू जा रहे हैं 0 पॉइंट। सरबल 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 दादी के पास। हाँ अभी आते हैं। गर्म में मैगी खा रही है, आवाज भी नहीं आ रहा है। तो जरूर देखिए। तो रात का डिनर हो रहा है होटल में। हम लोग निकले हैं टूर के लिए। अनलिमिटेड खाना खाने के बाद कोई इंसान खाता है उससे मोटापा बढ़ता है क्या अंजी? तुमको हम कहीं घुमा पाएंगे ये बताओ? हम तो भी सोच शिमला स्विट्जरलैंड जाने कितना खाना खाने के बाद बाहर से ऑर्डर किया गया। तो हम लोग चले ब्रेकफास्ट करने। वैष्णवी तुम तो कर लियो ना ब्रेकफास्ट? नहीं वैष्णवी फिर से करेगी। बहुत तरीके यहाँ पे ब्रेकफास्ट किया जा रहा है। ब्रेकफास्ट के नाम पे क्या है, पोहा है, ब्रेड टोस्ट है और क्या है, कॉर्नफ्लेक्स वगैरह है। ये बंदा कितना खाता है, कितना खाता है, थूक थुकाना भी पड़ता है। ये बंदा बहुत कम खाता है, बहुत कम खाता है। देखिए ये है, ये है, ये भी है और उधर भी है। खाने का भी कर सकते हैं, रूम थोड़ा सा अच्छे अच्छे वाले का फिर बताइए। रूम का टूर दी थी क्या? हम बोले थे सुबह देंगे, हम सो गए। मामा तो लिए वो दिए थे शायद। हाँ मैं तो इतने खाता हूँ थोड़ा इतने। तो इतने बड़े होटल में लाइट चली गई है, हम लोग पैदल ही चल रहे हैं ऊपर। ओह माय गॉड। हम लोग अब चल दिए अपने ट्रिप की ओर। मेरा बच्चा सो गया। ओह बता दी करके नहीं छुए हैं सकते मेरे पीछे। थैंक यू थैंक यू। कितना मस्त मौसम हो रहा है। मौसम यहाँ से निकलते ही पता चल गया कि वाकई श्रीनगर में आकर हम इतने स्मार्ट लग रहे हैं कि आपको पता नहीं। अंदर से फीलिंग आ रही है, बहुत अच्छे लग रहे हैं। इतना मस्त हो रहा है, बिल्कुल हल्की धूप है, हल्की हवा है। कैसा लग रहा है? सबसे ज्यादा ठंडा ट्रैफिक में लगता है। कैसा लग रहा है? ठंडा लग रहा है, ठंडा लग रहा है। तो ये कश्मीर का फर्स्ट डे है और वाकई में यहाँ का वेदर इतना प्यारा है, इतना प्यारा लग रहा था, मन कर रहा था कि यहीं की होके रह जाऊँ। बहुत ही प्यारा वहाँ का वेदर था, हल्का हल्का ठंडापन था और हल्की सी गर्माहट भी थी। इतना खूबसूरत वादियाँ हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक आप सुन सकते हैं। ब्रेक के लिए यहाँ से वादियाँ देखिए कितनी प्यारी लग रही है, पूरा वाइट वाइट नज़ारा है, खूबसूरत ही खूबसूरती है। वैष्णवी भी देख रही है, आपको दिखाते हैं वैष्णवी को। वैष्णवी
पहुंच गई। खा पी नहीं रहे, खा पी नहीं रहे, खाना पीना कुछ भी करना पता। अरे इन्होंने मिलेगा ना, इसके यहाँ जाओ ना। तो वैष्णवी यहाँ ब्रेकफास्ट करने के लिए उतरी है, लेकिन वैष्णवी नहीं करेगी ब्रेकफास्ट ना, हाँ मम्मा करेगी। तो यहाँ पे हम लोग नाश्ता पानी करने के लिए उतरे हैं। नहीं मत बैठा ना, पूरा कच कच है। वैष्णवी पहुंच गई, कहाँ पे हो, कौन पहुंच रहा है अभी रास्ते में है, यहाँ से 1 आवर और लगेगा जाने में ना वैष्णवी। यहाँ पे फोटो शूट करा रहे हैं, नाश्ता पानी हो रहा है, तुम्हारा शक्ल तो बड़ा अजीब लगता है वैष्णवी। होटल से आ गए हम लोग और ये कितना खूबसूरत नजारा है। ये पानी कैसा है, बहुत ठंडा पानी है, देख रहे हैं। फोटोग्राफी हो रहा है शाहरुख खान बनते हुए, वीडियोग्राफी हो रहा है, ये नहाने की तैयारी हो रही है, और ये दूर से ही ऑडियंस देख रहे हैं। वैष्णवी फोटो शूट करा रही है और ये व्यू का नजारा, ओ माय गॉड, कश्मीर का बात ही अलग है। ये देखिए क्या खूबसूरत नजारा आ रहा है, सब फोटो शूट कर रहे हैं। ये व्यू जो देख रहे हैं, जहाँ बर्फ बर्फ दिख रहा है ना, हम लोग वहीं जाने वाले हैं। कितना मस्त लग रहा है ना, ये एकदम उस ऊंचाई पे हम लोग जाएंगे। सारी सूट तो सेम है, गाना अलग, लेकिन हरवान महराम लगाने गया है। तो यहाँ से हम लोग 0 पॉइंट जाएंगे, तो 0 पॉइंट जाने के लिए जो हम लोग ने गाड़ी बुक किया था, ट्रेवलिंग गाड़ी नहीं चलती है वहाँ पे, उनका लोकल जो गाड़ी होता है आपको वो बुक करके जाना होता है। अगर आप पर्सनल गाड़ी से जा रहे हो तो वो गाड़ी अलाउ नहीं करते, उनके लोकल गाड़ी को ही लेना पड़ता है। तो हम लोग फाइनली सोनमर्ग पहुँच गए, अब यहाँ से जा रहे हैं 0 पॉइंट। ये देखिए इधर दो आदमी, पहली बार 0 पॉइंट जा रहे हैं, कितना ठंडा रहता है, कितना बर्फ मिलता है, वो जाने के बाद ही पता चलेगा। अब बच्चा को देखिए कितना हल्ला मचा रहा है बच्चा। वैष्णवी उधर करो, हेलो गाइस, व्यू देखिए, पीछे बैठोगे, पीछे बैठा दो, बैठा दो। बाबू देख लो, थोड़ा सा इधर देख लो, थोड़ा मम्मी को देख लो, थोड़ा मम्मी को देख लो, इतनी देखेगा, बाहर देखेगी, बाहर देखेगी, सबसे लास्ट क्या नाम होता है, सरबल, सरबल, सरबल। Thank you.
ये अमरनाथ का बाल तक चालू होता था ना आगे, जो अमरनाथ दर्शन के लिए जाता है गाड़ी वहाँ तक बालता था, उसके बाद घोड़ा पाल की वाक करता है, ये वही रास्ता है बाल तक का रास्ता। अमरनाथ अभी बंद है ना, आता है घोड़ा का रास्ता, वाक पैदल का रास्ता अमरनाथ के लिए। हाँ वहाँ तक प्लेन है, वहाँ तक प्लेन है सीधा, वो बर्फ वाला पहाड़ झाड़ी वाला पहाड़ बीच में निकलता है रास्ता। एक नींद में है, एक इधर है, उधर बच्चा पार्टी है, इधर है, इधर मम्मी है। अच्छा तुम प्राण एक जमा सो ना, ये आँख बस तो भी बस भी आँख तो वो कहीं छा रहा था बच्चा। वो खुद तो तुम्हारे से बुआ सा होता था, बोन मसाब शीन असलीश। मुझे यहाँ तक आया। अच्छा। वो लिख कर इंडिया इंडिया गेट वहाँ लिख कर। आपको आना मैं जून में यहाँ पूरा वाइट, जून में पूरा वाइट, पूरा वाइट। जून में गर्मी रहता है इसलिए अभी, जून में उधर गर्मी रहता है ना, इधर पूरा ठंडी रहता है। फाइनली हम लोग 0 पॉइंट पहुंच गए। ये व्यू देखो, ठंडी है बाहर, ठंडी है दादी के पास। हाँ अभी आते हैं गर्मा गर्म मैगी खा के, तुमको भी खिलाएंगे मैगी। हाँ ठीक है, आप मैगी नहीं खाइएगा, मैगी नहीं खाइएगा, चाय चाय। 0 पॉइंट पर मैगी खा रही है, 0 पॉइंट में मैगी खा रही है, आवाज भी नहीं आ रहा है। निकल गए हैं, ये था 0 पॉइंट, आगे चल रहे हैं, यहाँ से 5-10 मिनट का रास्ता है। ये प्राचीन शिव मंदिर, क्या फेंके हम, क्या फेंक दिए, इंडियन आर्मी, इंडियन फ्लैग है, इंडियन आर्मी है, इधर झंडा इंडिया का। प्राचीन सी मंदिर है यहाँ पे, हम लोग जाने देखने के लिए 0.5 से थोड़ा सा आगे है। बहुत ही खूबसूरत नजारा है, क्या हो गया वैष्णवी, क्या हो गया, वो दीदी है ना, दीदी है तुम्हारी। ओ मम्मी, ओ अब शक्ल देखो, हाँ भारी नहीं हो गया। जीरो पॉइंट से हम लोग निकल चुके हैं, अब चल दिए हैं चौन माँ की तरफ। इसका बेर का जो ऊन ऊन है ना, इसी से बनता है, इसी का काट काट के जो इसका रुआ है ना कटता है। चल रहे हैं ऑर्डर की तरफ, दूसरा रास्ता है, इसके बिना इसके लिए मैं तो चेक कर लूंगा।
यहाँ बहुत ठंड थी, देख सकते हैं इसको तो जरूर देख रहे हैं वैष्णवी को, लेकिन सब कुछ लेके आए थे वैष्णवी, पूरा ढक दिए थे, थोड़ा सा भी हवा ना जाए। तो हम लोग चल दिए होटल की तरफ, इधर लेके जाए चलिए होटल पहुंच के फिर बात करेंगे बहुत सारा ना। बोल दो हिग्गे हिग्गे बोल दो हिग्गे। Later that same evening. आ गई है घूम के, हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं जर्मन रेसिडेंसी अपने होटल आ चुके हैं ना। वैष्णव को इतना पता रहता है ना कि हम पहुंच गए हैं तब उठ जा। हाँ बहुत समझदार भी कह रहा है, बहुत समझदार है सच्ची में। तो रात का डिनर हो रहा है होटल में, रूम पे चला गया खाना खाना सकते हैं। हम लोग निकले हैं टूर के लिए, मार्केट टूर के लिए भी सब बंद हो चुका है। हम लोग निकले हैं टूर के लिए, मेरा बच्चा सो रहा है। होटल में बफ सिस्टम है, इतना अच्छा खाना बन रहा है, इतना अच्छा मतलब अनलिमिटेड खाना। लेकिन देखिए वीडियो नहीं यार, बर्गर कैसा है, बर्गर और फ्रेंच फ्राई खाए हैं, इतना अनलिमिटेड खाना खाने के बाद कौन इंसान खाता है। निकाल दीजिए, उससे मोटापा बढ़ता है। क्या जी तुमको हम कहीं घुमा पाएंगे ये बताओ। हम तो सोचे शिमला ऑक्सीजन ले जाने कैसे लेके जाएंगे यार, भैया को बता कैसे सुन रहे हैं और खाने मन नहीं कर रहे हैं। बेकार आदमी को दिए पहले वाले टेस्ट। शिमला ऑक्सीजन हम कैसे लेके जाएंगे ये बताइए। रुक जा पहले, दार्जिलिंग में बेचारे का हालत खराब हो गया था। यहाँ देखिए जब पेट भरा रहता तो ओके ओके ही लगता है। देख रहे हैं ना बफ सिस्टम होने के बाद, इतना खाना खाने के बाद बाहर से ऑर्डर किया गया। और चाय भी देखिए कितना सारा चाय सिर्फ ये पिए मेरा। गाइस मेरी स्थिति देख के आपको लग रहा होगा हम कुछ नहीं खाते हैं, बस नाम लेता मेरा गंदा मार्कर बर्गर अफीम के जैसा मार्कर। तो हम लोग की मस्ती ऐसे ही रात भर चलती रहती है, हम लोग दिन भर घूमते हैं। तो यहाँ पे देखिए वैष्णवी चैन की नींद सो रही है क्योंकि दिन भर घूमने से बेचारी बहुत थक जाती है। तो हे गाइस अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।